हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे सबमिट कर सकते हैं और क्या क्या तरीका है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने का, आपके स्टडी सेंटर पे, आपके रीजनल सेंटर पे या फिर और कहीं भी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए कि किस तरीके से आप अपना असाइनमेंट जो सबमिट करके, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है कि मेरा रिसीविंग नहीं आया, असाइनमेंट सही ढंग से सबमिट नहीं हो रहा है, कैसे असाइनमेंट सबमिट करूँ। जैसे कि आरसी डेली थ्री का भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि कैसे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और लास्ट तक वीडियो को देखें। एंड जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम बहुत सारा वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। जैसे लेटेस्ट अपडेट, सॉल्व्ड असाइनमेंट, सेल्फ मेड हैंड रिटन सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन किसी भी कोर्स का अगर आपको चाहिए, एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, जो ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेट होता है वो रोज आपको हम पहुंचाते हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज दो सेकेंड लगेगा आपको यहाँ पे इस बटन को क्लिक करने में, तो प्लीज क्लिक करके और एक इधर बेल आइकन होगा इसको भी दबा देना ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन होगा मिलता रहे जो भी हम अपडेट करें, काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। एंड सबसे पहले तो हम यहाँ पे इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा से। तो यहाँ पे देखिए, जो बहुत सारा होम है, अबाउट इग्नू, रजिस्टर ऑनलाइन, स्टूडेंट सपोर्ट एंड रीजनल नेटवर्क। तो रीजनल नेटवर्क में जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा रीजनल सेंटर्स का, तो यहाँ पे आओगे रीजनल सेंटर के, जैसे क्लिक करोगे उसको तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि रीजनल सेंटर वेबसाइट, तो यहाँ पे क्लिक करना है अपने को। तो जो भी रीजनल सेंटर इग्नू के अंदर है जितने भी, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि डेली थ्री, ठीक है, आरसी डेली थ्री के अंदर कैसे हमें असाइनमेंट सबमिट करना है, क्या क्या गाइडलाइंस है उनके, कहाँ पे सबमिट करना है। तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, तो अभी हम पहुँच जाएंगे आरसी डेली के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, डेली थ्री रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक स्टूडेंट सेक्शन करके होगा, स्टूडेंट कॉर्नर सॉरी, तो स्टूडेंट कॉर्नर पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गाइडलाइन एंड लिंक फॉर सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 ऑनलाइन असाइनमेंट्स। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी, मतलब आपको अच्छे से डिलीवरेट किया गया किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है, कैसे बनाना है, कौन कौन से बातों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है असाइनमेंट सबमिशन के दौरान और असाइनमेंट बनाने के दौरान। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग गाइडलाइंस एंड लिंक्स फॉर सबमिशन ऑफ टर्म एंड जून 2021 ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन असाइनमेंट। एज पर द कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम इग्नू हेडक्वार्टर्स, लर्नर्स कैन सबमिट हैंड रिटन स्कैंड असाइनमेंट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 सेशन ऑन स्पेसिफाइड ईमेल आईडीज फॉर कंसर्न स्टडी सेंटर लिंक ऑन RC3 वेबसाइट। अभी देखो, आपको असाइनमेंट जो है ऑनलाइन सबमिट करना है थ्रू ईमेल, नॉट थ्रू गूगल लिंक। ठीक है, अब हर एक स्टडी सेंटर का अपना अपना है, अभी सब देखेंगे हम, लेकिन आपको ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करना है। राइट, तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट आपको पता है 31 मई है, एंड अगर आप पहले ही कर चुके हो सबमिशन तो आप इसको इग्नोर कर दो। सो यहाँ पे देखिए कुछ एक गाइडलाइंस है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और नॉट सबमिट असाइनमेंट एट रीजनल सेंटर डेली थ्री ईमेल आईडी। आपको रीजनल सेंटर के ईमेल आईडी पे या फिर स्टडी सेंटर के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे नहीं करना है, आपको कहीं भी किसी भी ईमेल आईडी पे नहीं करना है। जो इन्होंने एक पीडीएफ दे रखा है उसमें जो ईमेल आईडी है उस पर ही सबमिट करना है आपको असाइनमेंट, नहीं तो आपको रिसीव नहीं होगा, फिर आप बाद में चिल्लाओगे कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, डू नॉट सबमिट मल्टीपल कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट, सबमिट ओनली वंस एट ईमेल आईडीज लिंक ऑफ योर अलॉटेड स्टडी सेंटर गिवन इन रीजनल सेंटर थ्री वेबसाइट। ठीक है, आपको अभी दिखाएंगे हम कौन सा आपका लिंक है, कौन सा आपका ईमेल है। इन केस असाइनमेंट सबमिशन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों का ये कमेंट आता है, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि मुझे क्या बोलते हैं उसको, रिसीविंग नहीं मिला असाइनमेंट सबमिट किया उसके बाद। तो ये देखिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन केस असाइनमेंट सबमिशन रिसीव्ड इज नॉट रिसीव्ड बाय यू ऑनलाइन आफ्टर सबमिटिंग असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर असाइनमेंट सबमिशन ईमेल और लिंक, द सेंड रिपोर्ट ऑफ योर असाइनमेंट सबमिशन ईमेल मे बी रिटेंड एज असाइनमेंट सबमिशन रिपोर्ट। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया, आपको रिसीविंग नहीं मिला, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया कि हाँ हमारे पास असाइनमेंट आ चुका है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपने सबमिट किया है, जैसे जिस ईमेल के थ्रू आपने सबमिट किया होगा, तो वहां पे सेंड के ऑप्शन में जब आप जाओगे तो जो भी आपने सबमिट किया उसका हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो उसी हिस्ट्री को आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है एज अ रिसीविंग। ये बस वही बोल रहे हैं, वही आपका रिसीविंग होगा,
इन फ्यूचर अगर वो बोलते हैं कि आपने तो सबमिट ही नहीं किया, तो आपके पास होगा कि देखिए मैंने इस मेल पे यहाँ पे इतने तारीख को ये असाइनमेंट मैंने सबमिट किया था, वही आपका रिसीविंग है। बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को रिसीविंग नहीं मिला, तो ये आपको करना है, ये आपको रखना है, चाहे किसी भी रीजनल सेंटर से हो आप, ठीक है, क्योंकि हर एक रीजनल सेंटर का एक्चुअली अलग अलग तरीका है, लेकिन आपको सेंड करना है, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, ठीक है। लिंक के थ्रू कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स जो है ना उसको रिकॉर्ड कर लो आप, उसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैंने इस पे सेंड किया है। उसके बाद मार्क्स, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स ऑफ असाइनमेंट सबमिशन विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली विद द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 रिजल्ट ग्रेड कार्ड। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि अभी अभी तक मैंने अप्रैल में ही कर दिया था, मार्च में ही असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, बट अभी तक मेरा मार्क्स रिफ्लेक्ट मार्क्स अपडेट नहीं दिखा रहा है, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, आप शांति से रहो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना तब आपको असाइनमेंट दिखेगा वहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के साथ, ग्रेड कार्ड के साथ, ठीक है। आपको अभी वहाँ पे असाइनमेंट का मार्क्स नहीं दिखेगा, सबमिशन का स्टेटस दिख जाएगा कि आपने सबमिशन कर दिया है, लेकिन मार्क्स अभी नहीं दिखेगा, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया, हम इस पे डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए मैंने इस पीडीएफ को खोल लिया है, तो वही सारी चीज़ें हैं। सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट टू बी सबमिटेड टू योर अलॉटेड स्टडी सेंटर ईमेल आईडी ओनली, ठीक है। आपके जो भी आपका स्टडी सेंटर है उसी के ईमेल आईडी पे सेंड करना है, डेली RC3 के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने शिवाजी कॉलेज का, एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो आपका शिवाजी कॉलेज है तो उन्होंने क्या क्या ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है उसी पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। असाइनमेंट हैव टू सबमिटेड डायरेक्टली एट ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय योर स्टडी सेंटर ऑन दिस वेबसाइट, असाइनमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट पर गाइडलाइंस बाय गिवन बाय योर सेंटर, ठीक है। असाइनमेंट्स आर टू बी सबमिटेड टू ओनली कॉन्टैक्ट ईमेल्स एज प्रोवाइडेड बाय योर स्टडी सेंटर एंड नॉट टू एनी अदर, किसी और पे नहीं सेंड करना है, जो भी आपका स्टडी सेंटर ने प्रोवाइड किया है कि आपको इस पे सेंड करना है उसी पे सेंड करना है। लर्नर्स विल सबमिट ए स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटेन सॉल्वड असाइनमेंट अलोंग विद ए स्कैन कॉपी ऑफ आईडी एंड असाइनमेंट क्वेश्चन। आपको जब आप असाइनमेंट कर रहे हो, जब आप सबमिट कर रहे हो, तो आपको उसमें सबसे पहले आईडी लगाना है, फिर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन लगाना है, फिर आपका जो भी आपने आंसर लिखा है वो लिखना है, वो लगाना है, ठीक है। मतलब आप समझ गए ना कि आपको पहले अपना आईडी कार्ड लगाना है, आपको अपना आईडी कार्ड का स्कैन करना है, फिर उसके बाद जब पीडीएफ बना रहे हो तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन को स्कैन करना है, एंड देन फिर आपका आंसर जो भी आपने लिखा है उसको स्कैन करके ऐसे करके पीडीएफ बनाना है, ठीक है। द असाइनमेंट फाइल शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड नेम इन यूनिक फॉर्मेट ऑफ इनरोलमेंट नंबर एंड कोर्स कोड फॉर एग्जाम्पल। जैसे देखिए आपका जो पीडीएफ होगा उसका नाम रीनेम करना पड़ेगा आपको, उसका नाम इस तरीके से लिखना है, देखिए ये है तो आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया, ठीक है। जो पीडीएफ है उसका नाम लिखना है आपको, नाम रीनेम करना है, तो आप पहले अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देना, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर। उसके बाद आपको जो है जो भी आपका कोर्स कोड होगा, कोर्स कोड मतलब नॉट प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, जो भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का जो कोड होता है ना, जैसे यहाँ पे MS01 एक सब्जेक्ट है ये, तो उसका कोड लिख देना है। जैसे आपका फिजिक्स होगा तो मान लीजिए PHE7 है तो PHE07 लिख देना है। आपका मान लीजिए कि BSHF101 है तो आपको लिख देना है, आपको पहले यहाँ पे ये वाला लिखना है आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर, एंड देन उसके बाद BSHF101 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम कोड नहीं, सब्जेक्ट कोड मतलब कोर्स कोड लिखना है, बहुत ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर यहाँ पे जाएगा उनके पास, और किस कोर्स का है किस सब्जेक्ट का वो आपको उनको डायरेक्ट पता चल जाएगा, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा उनको, ठीक है, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर ही मेन है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये जरूर लिखें, फाइल का नेम ऐसे करना है आपको, उस जो भी पीडीएफ है उसका नेम ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद देखिए जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करें, जो फ्रंट पेज हो ना उस पर इन्वॉल्वमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम मतलब आप किस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो, जैसे BAG हो गया, BDP हो गया, या फिर BSc हो गया, किस प्रोग्राम में है उसको यहाँ पे लिखें। इसको आप हार्ड से भी लिख सकते हो, ऐसे सादा पेज पे, एक A4 साइज पेज पे। कोर्स कोड हो गया कि आपका कौन सा कोर्स के लिए आप जमा कर रहे हो, मतलब सब्जेक्ट कोड क्या है आपका। फिर नेक्स्ट आपका स्टडी सेंटर नेम विथ कोड, स्टडी सेंटर नेम जैसे शिवाजी जो भी होगा कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, और आपका कोड उस स्टडी सेंटर का, इग्नू ने क्या कोड दिया है, क्या कोड है, स्टडी सेंटर कोड क्या है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि कुछ भी इधर उधर होता है तो आपको वो कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको एक सबसे ऊपर वाले पेज पे लगाना है, उसके बाद आई कार्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन असाइनमेंट सबमिटेड इट विल बी रिटर्न बैक टू द लर्नर्स फॉर करेक्शन एंड रिसबमिशन। कुछ भी गलत हो उनको लगता है कि ये तो सही नहीं है तो फिर आपको वापस कर देंगे। इन केस A4 रिटन पेज नॉट अवेलेबल विद यू मे यूज एनी काइंड ऑफ रिटेबल पेपर टू कंप्लीट योर असाइनमेंट। ऐसा कुछ नहीं कि A4 साइज पेज ही लगाए, आपका जो भी पेज है जो जिस पे आप लिख सकते हो उससे भी पे भी आप असाइनमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्योंकि पता है सबको कि लॉकडाउन में तो बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है। फिर नेक्स्ट द सेंट रिपोर्ट ऑफ ईमेल बाय व्हिच यू सबमिटेड योर असाइनमेंट इज योर असाइनमेंट सबमिशन रिसीप्ट नॉट सेपरेट। देखो रिसिप्ट विल बी प्रोवाइडेड, देखो जो भी आपने सबमिट किया है जिस भी ईमेल से आपने सबमिट किया है उसका जो सेंट में जो हिस्ट्री होगा ना उसको आप रख लेना, आपको कोई रिसीव नहीं दिया जाएगा, रिसीविंग नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली कर दिया गया है। ठीक है, जो भी आप सबमिट करोगे और जो सेंट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपका जो भी आपने सबमिट किया उसका हिस्ट्री है उसको स्क्रीनशॉट कर लेना, वही आपका रिसीविंग है, वो कोई भी उधर से रिप्लाई नहीं करेंगे कि आपका असाइनमेंट आ गया है नहीं आया। यू कैन सेंड द कोर्स बाई असाइनमेंट अटैचमेंट सेपरेटली वन बाई वन बाई ईमेल इफ ऑल असाइनमेंट कैन नॉट बी अटैच टूगेदर इन सिंगल। अब देखो एक ही ईमेल में आपने 10 PDF जो है अटैच कर दिया तो अगर वो सेंड हो जाता है तब तो ठीक है, अगर ऐसा सेंड नहीं होता है कि एक ही ईमेल में मतलब एक ही बार ईमेल करना है उसमें 10 लगा देना है PDF, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सेपरेटली मतलब अलग अलग, जैसे एक कोर्स के लिए कर दिया पहले आपने ईमेल लिखा फिर उसके अंदर आपने जैसे BSHF 101 लगा दिया फिर उसके बाद फिर से ईमेल सेंड करना है और उसके बाद फिर उसमें जो भी आपका दूसरा कोर्स होगा उसको लगा देना है, इस तरीके से अलग अलग सेपरेटली सेंड कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सबमिट योर असाइनमेंट थ्रू गूगल ड्राइव, इसमें लिंक के थ्रू आप गूगल ड्राइव के थ्रू भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, रिटेन हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट सेंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आप जो भी लिख रहे हो जो भी आपके पास रिटेन कॉपी जो भी आपके पास है उसको आपको फेंकना नहीं है, बिगना नहीं है, आप उसको पास में रखें ताकि इन फ्यूचर अगर वो मांगे तो वो आप दे पाओ उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी देखो इसमें हर एक स्टडी सेंटर का इसमें डिटेल्स दिया गया है तो इस PDF का लिंक मैं हो सकता है तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना या फिर डेली RC के ही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना वहाँ पे। ठीक है, तो ये इस PDF में देखिए हर एक स्टडी सेंटर नेम, ठीक है, जो भी आपका स्टडी सेंटर है डेली RC 3 के अंदर तो उसको आप जो है कि देख लेना कि आपका कौन सा स्टडी सेंटर है और इस स्टडी सेंटर के अंदर क्या गाइडलाइंस दिया गया है, क्योंकि कई स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो कि गूगल फॉर्म के थ्रू भी ले रहे हैं। ठीक है, कोई स्टडी सेंटर ऐसा है जो ईमेल के थ्रू ले रहा है, कई ईमेल यहाँ पे दे रखा वो इसके थ्रू ले रहा है। ठीक है, तो आप इसको जो है कि ध्यान रखें, तो जैसे कि आर्यभट्ट कॉलेज है तो प्लीज ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ योर हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ ID रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, और ये जो है कि ईमेल ID दिया गया है, ईमेल ID थोड़ी ना ये तो मुझे लग रहा है गूगल फॉर्म है, देखता हूँ एक बार मैं चेक करके ओपन करके। ठीक है, तो ये ईमेल पे इनको एक्चुअली करना है, यहाँ पे आप खोल के देखना जो भी आएगा उस पर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार शिवाजी कॉलेज का, एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था श्रीराम फाउंडेशन मोतीलाल नेहरू कॉलेज रीजनल सेंटर डेली 3 या शिवाजी कॉलेज, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द स्टडी सेंटर कोड, यही है स्टडी सेंटर कोड। ठीक है, 3805 ये शिवाजी कॉलेज का। अब यहाँ पे क्या दिखा गाइडलाइंस है, ये देखिए ये जो फर्स्ट हमने खोला था उसका ये एक्चुअली वो है लिंक फॉर सबमिशन स्कैन कॉपी फॉर ऑल प्रोग्राम इज, ये है देखिए ये इनका जो है कौन से हमने RC का खोला था, सॉरी किस स्टडी सेंटर का खोला था हमने, आर्यभट्ट कॉलेज। ठीक है, तो आर्यभट्ट कॉलेज का इनको जो है इन्होंने अपना गाइडलाइंस दिया है कि किस तरीके से आपको PDF बनाना है, ये पढ़ लेना अगर आप आर्यभट्ट कॉलेज से हो, और उसके बाद फिर इनको जो है गूगल फॉर्म के थ्रू सेंड करना है। देखो ये जैसे आप खोलोगे गूगल फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, उसके थ्रू इनको देखो यहाँ पे उसके थ्रू यहाँ पे इनको सेंड करना है, देखो ये सारा चीज ऐसे करके यहाँ पे आपको देखो फाइल अपलोड करना है, जो भी आपका कोर्स है उसको अपलोड करना है ओनली PDF फॉर्म में, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, हर एक कॉलेज का अलग अलग है, हर एक स्टडी सेंटर का, तो हम एक बार शिवाजी का देख लेते हैं कि उनका क्या है, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था। तो यहाँ पे देखिए आप शिवाजी कॉलेज पे आ चुके 3805 4045 प्लीज ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ योर हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ ICARD रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड असाइनमेंट क्वेश्चन। ए रजिस्ट्रेशन स्लिप एक्चुअली जो भी आपने एडमिशन लिया था ना तो उस टाइम जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उसका स्लिप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने उनके स्टडी सेंटर पे ये कोर्स होगा, ठीक है, तभी आपने उन्होंने अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग ईमेल ID दिया उन्होंने। ठीक है, सिर्फ यही कोर्स है वहाँ पे BSW MSW MSWC DBA RL एंड MCM.com राइट MHD, तो ये कोर्स जो भी आपका कोर्स है तो उसका कोड यहाँ पे सॉरी प्रोग्राम है उसका कोड यहाँ पे दिया गया,
तो इस प्रोग्राम के बच्चे जो है यहाँ पे ईमेल सेंड कर सकते हैं। और हर एक प्रोग्राम के लिए, जैसे भी आप BSW में एडमिशन लिया है आपने, तो आपको सिर्फ इसी ईमेल आईडी पे सेंड करना है आपको, ठीक है। अब अगर आपने BBA RL सैलरी डिटेलिंग होगा, तो आपको सिर्फ इसी पे असाइनमेंट सबमिट करना है और इस तरीके से आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है। तो आप और भी असाइनमेंट्स यहाँ पे देख सकते हो, आप खुद से डाउनलोड करना, और कोई भी दिक्कत आता है तो आप जरूर कमेंट करें मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सबमिट कर सकते हो अपना ईमेल, अपना असाइनमेंट स्टडी सेंटर के ईमेल आईडी पे। इसमें पढ़ लेना आप थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा इसमें कि क्या क्या डाउट आ सकते हैं बच्चों को। कॉन्टेक्ट ईमेल फॉर स्टडी सेंटर फॉर सबमिशन रिलेटेड एंड अदर। अब अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मतलब इस ईमेल आईडी पे, आपके स्टडी सेंटर का भी ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है अलग अलग, यहाँ पे कहीं ना कहीं नेहरू कॉलेज का होगा, सॉरी शिवाजी कॉलेज का, तो आप देख लेना। कोई भी कॉन्टेक्ट, कोई भी दिक्कत आता है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिवाजी कॉलेज है ना, तो ये इस पे सेंड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इस पे सेंड कर देना है सबमिट, ये एक्चुअली कोई भी दिक्कत आता है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन पूछना है कुछ भी, तो यहाँ पे सेंड करो इस ईमेल आईडी पे। और जब भी ईमेल करते हो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछते हो, तो आप अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर और अपना जो है कि कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड जरूर उसमें लिखे, ताकि वो जल्दी आपको रिप्लाई करे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे शिवाजी कॉलेज का है, तो आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप वहाँ पे भी पूछे, और आप इस चैनल पे भी कमेंट कर सकते हो, आपको फास्ट रिप्लाई करते हैं, ताकि आप जो है कि सही ढंग से अपने चीज़ों को कर पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखेंगे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, जो भी इग्नू के फ्रेंड है आपके, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो जो भी आप चाहते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जैसा कि आपको पता है कि संडे को हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, तो आज संडे है 23/5, तो आज हम लोग शाम तक एक वीडियो अपलोड कर देंगे क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो आप लोगों ने जो भी पूरे वीक में जो भी कमेंट किया है, जो भी आपका डाउट है उसको लेकर के, एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इसी तरीके से, तो आप जरूर कमेंट में डालें, ताकि हम उसको पिक करके आपके जो भी प्रश्न है उसको उत्तर दे पाए, और आपको उस क्वेश्चन से, उस प्रॉब्लम से निजात दिला पाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड क्लिक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।